हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएचयू सुपर क्लास है। आज सीएचएस क्लास 9th वालों के लिए टॉप 10 धमाकेदार टिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे आप इजीली सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने एक भी स्टेप को छोड़ दिया तो बहुत ही मुश्किल है सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, क्योंकि आप जानते हैं कि सीएचएस में सीट कम रहता है और फॉर्म बहुत ज़्यादा भराता है। इसलिए आप सभी 10 स्टेप को अच्छी तरह से देखें और सुने। और एक और बात, जितना भी स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं बीएचयू यानी सीएचएस में क्लास 9th में, वो सारे स्टूडेंट यही स्टेप को फॉलो करके आज वे सीएचएस में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप भी सीएचएस क्लास 9 में 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो एक भी स्टेप को स्किप ना करें। चलिए चलते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर। ये रहा फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में ये है कि सिलेबस को अच्छी तरह से देखें और कंप्लीट करें। अगर आपने अभी तक डिटेल सिलेबस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और उसमें बताया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज रहता है, कितना मार्क्स से क्वेश्चन आता है, तो आप उसे अच्छी तरह से देख लें ताकि आप लोग को सिलेबस अच्छी तरह से पता चल जाए। तो यही था फर्स्ट टिप्स। चलिए सेकेंड टिप्स की ओर चलते हैं। तो ये रहा सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में बोला जा रहा है कि रीड एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक को ही अच्छी तरह से पढ़ना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है जो एमसीक्यू क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसे अच्छी तरह से अंडरलाइन करना है और उसे नोट भी करना है। तो इससे आपका हो सकता है उसे डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन आ जाए। तो यही था सेकेंड स्टेप। चलिए थर्ड टिप्स के बारे में बात करते हैं। ये रहा थर्ड टिप्स। थर्ड टिप्स में बताया जा रहा है कि कौन सा क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखा जाए कि क्लास 8 के सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है। जो आपको पेपर मिलेगा उसमें 80% क्वेश्चन जो है क्लास 8 के सिलेबस से रहेगा, और क्लास 7 के सिलेबस से 15% मतलब 15% क्वेश्चंस रहेंगे, और लास्ट क्लास 9 से भी क्वेश्चन रहते हैं जो 5% है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से रिवाइज करके आप 100% सिलेक्शन पा सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसी तरह से तैयारी करें। तो चलिए अब फोर्थ स्टेप की ओर चलते हैं। ये रहा फोर्थ टिप्स आप लोग के लिए। फोर्थ टिप्स में यही है कि प्रैक्टिस मैथ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है मैथ बनाने का, ताकि आप लोग का एक्यूरेसी बढ़े और आप वहाँ पे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे एक्यूरेसी बढ़ेगा, आपका टाइम भी बचत होगा। इसलिए आप यहाँ पे घर पे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और कुछ ट्रिक के साथ क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाएं। तो यही है फोर्थ टिप्स। चलिए फिफ्थ टिप्स की ओर चलते हैं। ये रहा फिफ्थ टेस्ट। फिफ्थ टेस्ट में यही है कि एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के, तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और आप सिलेबस में देख करके आप हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही है फिफ्थ स्टेप। चलिए सिक्स स्टेप की ओर चलते हैं। ये रहा सिक्स टिप। सिक्स टिप में बोला जा रहा है कि वाच इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वीडियो। जितना भी एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराया जा रहा है आप लोग को बीएचयू सुपर क्लासेस पे, आप अच्छी तरह से वहाँ पे देखें, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने का हाई चांसेस है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं 100%, तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। एक बार नहीं, 2 बार आप देखें, ताकि आप लोग का 100% सिलेक्शन हो जाए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सारा का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे जरूर देखें। एक भी वीडियो को स्किप न करें। जितना भी क्लास 9 से रिलेटेड डाला जा रहा है बीएचयू सुपर क्लासेज पे वीडियो, आप उसे अच्छी तरह से देखें। चलिए अब 7 टिप्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये रहा 7 टिप्स। 7 टिप्स में यही है कि ओएमआर शीट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम में ओएमआर शीट को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ओएमआर शीट भरने नहीं आता है, तो आप मार्केट में जा करके उसे खरीद करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब 8 स्टेप की ओर चलते हैं। ये रहा 8 टिप्स आप लोग के लिए। 8 टिप्स में बोला जा रहा है कि एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको अच्छी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। जितना भी सीएचएस क्लास 9 के लिए क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, आप उसे अच्छी तरह से देखें और उसे एनालाइज करें कि किस तरह से पैटर्न रहता है क्वेश्चन को। अब ऐसे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीएचयू सुपर क्लासेस पे सारा का सारा क्वेश्चन जो कराया जा रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके वहाँ से आप लोग को रिविजन कराया जा रहा है। इसलिए आप उसे जरूर देखें, आपका अच्छी तरीके से रिविजन हो जाएगा। तो यही था 8 टिप्स। चलिए अब 9th टिप्स की ओर चलते हैं। ये रहा 9 टिप्स। 9 टिप्स में बोला जा रहा है कि मोटिवेट योरसेल्फ टू वर्क। आपको मोटिवेट करना है अपने आप को कि हाँ मैं सिलेक्शन ले लूंगा सीएचएस क्लास 9th में। इस तरह से आपको मोटिवेट करना है अपने आप से, आओ हार्ड वर्क करना है। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप कोई भी काम इजिली कर सकते हैं। तो आपको पूरा मोटिवेट रहना है और बीएचयू सुपर क्लासेस पे अच्छी तरह से आपको एमसीक्यू को करना है। चलिए अब लास्ट टिप्स को देखते हैं। ये रहा लास्ट टिप। लास्ट टिप में यही बताया जा रहा है कि फिल द फॉर्म इन करेक्ट वे। आपको जो है सीएचएस क्लास 9 के जो फॉर्म है, आप उसे अच्छी तरह से भरें, क्योंकि अगर आपका फॉर्म में ही दिक्कत हो जाएगा तो आपको काउंसलिंग समय आपका सिलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अच्छी तरह से
फॉर्म को भरें। फॉर्म किस तरह से भरना है उसका डिटेल वीडियो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप लोग को पल पल की CHS की अपडेट मिलते रहे। तो यही था आज का 10 धमाकेदार टिप्स। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।